हाँ जी नाजिम खान, अभी आपको तो लगता है कम से मतलब कम अब जब प्राण प्रतिष्ठा हो रही है इस पर राजनीति बंद हो जानी चाहिए? अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी आ गया, प्राण प्रतिष्ठा का दिन भी आ गया, आप तो कम से कम रुक जाना चाहिए। हाँ विशाल भाई, देखिए मैं सबसे पहले ये कहना चाहता हूँ, देखिए मेरा अपना मजहबी यकीदा है कि जहाँ एक बार मस्जिद तामीर हो जाती है तो इंशाल्लाह तक क़यामत तक मस्जिद ही रहती है। और देखिए ओवैसी साहब ने मस्जिद के बारे में कहा, जिस तरीके से अभी भाजपा के प्रवक्ता बार बार कह रहे थे ना कि मुस्लिम समाज को लेकर के ओवैसी साहब ने कि हिंदुओं को ही टारगेट करते, तो मैं पूछना चाहता हूँ कौन सा हिंदू भाइयों को टारगेट किया उन्होंने? उन्होंने सिर्फ और सिर्फ मस्जिद के बारे में बात करी है। भाजपा प्रवक्ता जनाब जरा ध्यान से सुनिए, ओवैसी साहब ने सिर्फ और सिर्फ मस्जिद के बारे में कहा कि 500 साल जिस मस्जिद के अंदर हम नमाज अदा करते थे, जहां पर हमारी मस्जिद में से हय्या अलल फलाह की आवाज आती थी, तो सिर्फ और सिर्फ इस बारे में बात करी है। उन्होंने ये नहीं कहा कि मस्जिद के बारे में, मंदिर के बारे में कोई भी अपशब्द नहीं बोला, सिर्फ और सिर्फ मस्जिद के बारे में। अरे सर सर, आज संविधान, पूरा सर विश्व उत्सव मना रहा संविधान है, है हमें किस इसकी जगह पर इजाजत देता है। प्राण क्या प्रतिष्ठा आप हो रही है हमारे, वो क्या जगह आप पर मस्जिद हमारी इस बता रहे हैं, बात को उनको भी तय होना दबा देंगे चाहिए। सर? आज हाँ, पूरा विश्व ये बता उत्सव दीजिए, है, संविधान उसको हमें मना इस रहा है, चीज की उनकी इजाजत हिम्मत देता है। है। ये मैं क्या ये हमारी बताऊं, सहन क्या क्षमता है, कहूँ, कभी नहीं होंगी, अभी संविधान बात के तो तहत सुनिए, सर संविधान शर्म हमें इस आनी चीज चाहिए की इजाजत उनको। देता है? जब पूरा क्या विश्व ओवैसी उत्सव मना साहब ने रहे कहा वो कर रहे तो हैं, आपने आप अभी तुरंत कर, कह आपको दिया तो कि जवाब ओवैसी देने ने में हिंदू उनकी भाइयों चिंता की नहीं है, आस्था आप को तो नहीं ब्रेक करते। पहुंचाइए। पर आप लेकिन तो जो लोग सिर्फ ये कहते हिंदू हैं के ऊपर बात सनातन करते धर्म हैं, को लेकर, जो सिर्फ और सिर्फ हिंदू है, सनातन और देवी देवताओं पर अपन टिप्पणी करते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ हिंदू समाज के लोग हैं। किसी मुसलमान ने आज तक हिंदू समाज के देवी देवताओं को आज तक अभद्र टिप्पणी नहीं करी, न सदा सनातन धर्म पर कोई अभद्र टिप्पणी करी, लेकिन हाँ पैगंबर इस्लाम पर अभद्र टिप्पणी करने वाले आपके पार्टी के अपने ही थे जिन्होंने पैगंबर इस्लाम पर अभद्र टिप्पणी करी। और सर आप बात हमसे ही करते, और एक बात और बता दूं, भाजपा के प्रवक्ता जनाब मेरी बात ध्यान से सुन लीजिए, ये सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का फैसला था संविधान के तहत जो भारत के हर नागरिक ने माना। लेकिन ये बताइए, 1500 सुनिए, जो 1528 में बताते थे कि मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाएगी, तो सर मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ, गोस्वामी तुलसीदास ने कभी इस चीज का जिक्र नहीं करा कि वहां पर मंदिर था या मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाएगी? अरे आप फिर गोस्वामी उसी बहस में पड़ तुलसीदास गए ना हाजी नाजिम खान, सुनिए सुनील सुनिए कौशिक साहब, मैं विशाल यही भाई तो का कह रहा हूं। जवाब क्या अब है? ये वाली बहस का तो कोई अर्थ ही अरे नहीं रह गया ना, गोस्वामी अब तुलसीदास इस जी वाली का बहस का तो जिक्र कोई अर्थ ही नहीं करते रह गया कि वहां क्या था हैं, क्या नहीं था। अब तो सर सुप्रीम कोर्ट आपने का फैसला आ जिक्र गया। शुरुआत तो पता चल और रही एक है। और बात जो हाजी नाजिम खान ने कही बड़ी इंपॉर्टेंट है, उन्होंने कहा कि कोई मुसलमान सवाल नहीं उठा रहा, ज्यादा से ज्यादा हिंदू नेता ही हैं विपक्षी दलों के जो इस पर सवाल उठा रहे हैं। देखिए, जिस मुकदमा के प्रकरण में जो पक्ष था ना, उस पक्ष ने दिल खोल के स्वागत किया, और वहाँ जो समारोह हो रहा है आप देख लीजिए, उस परिवार की बहुत ज़्यादा सहभागिता वहाँ दिखाई दे रही है। बाहर से आए हुए हिंदू भाइयों की वो भी स्वागत कर रहे हैं, चाय पिलाने का काम कर रहे हैं, माला पहनाने का काम कर रहे हैं, हाथ जोड़ के, जो परंपरा हमारे देश की रही है उस तरीके से। वो उनके घर में गया और घर जा कर के देखा कि निश्चित तौर से लग ही नहीं रहा कि वो किसी मुस्लिम परिवार का वो घर हो सकता है। यही मुझे लगता है कि हर परिवार से क्यों संदेश नहीं आ रहा। जो राजनीतिक दल तुष्टिकरण की बात करेंगे, हो सकता है कि उनकी मजबूरी हो और इस मजबूरी का कारण देश की जनता समझती है, लेकिन जहाँ ईश्वर की बात है, आस्था की बात है, वहाँ आप सब राजनीतिक दलों की समझ में ये आ गया होगा। अयोध्या पर जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया, और ये मैं बड़ा सम्मान के साथ कह रहा हूँ कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने श्री राम मंदिर भव्य बनाने का आदेश नहीं दिया, उन्होंने उस जमीन के टुकड़े का न्याय किया कि ये जमीन का टुकड़ा है किसका, कौन से पक्ष का है। यदि यहाँ किसी राजनीतिक दल की सरकार होती तो ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि इतने कम समय में इतना भव्य मंदिर का निर्माण कोई भी सरकार नहीं बना पाती है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं होती तो। जब से ताला खुला, पिछली मन जाइए कि बहुत पहले क्या हुआ, जब से ताला खुला तब से लेकर के अब तक की एक एक कदम की आप समीक्षा करेंगे तो कोई भी राजनीतिक दल मुझे नहीं दिखता जिसने राजनीति नहीं की हो। कांग्रेस ने राजनीति नहीं की, पीवी नरसिंहा राव जब मुख्य प्रधानमंत्री थे, आप देखिए ना कैबिनेट की मीटिंग, तमाम समीक्षाओं की स्थिति को भांपी आप, क्या कांग्रेस राजनीतिक फायदा नहीं उठाना चाहती? क्या समाजवादी पार्टी ने राजनीतिक फायदा उठाने का प्रयास नहीं किया? अब आदरणीय मुलायम सिंह जी नहीं है, तमाम मंचों पर कहा कि हमने कार सेवकों पर गोलियां चलवाई हैं। दूसरी आप समझिए, क्या भारतीय जनता पार्टी हमेशा चुनावी घोषणा पत्र में रहा, जिस पार्टी ने चार चार राज्यों की सरकारें बर्खास्त की झेली हो,